नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ के इस चैनल में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 CRPC के एक इम्पोर्टेंट प्रोविजन जो धारा 482 CRPC में प्रावधानित है, इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट, उसके संबंध में बतलाने जा रहा हूं। इस सेक्शन 482 CRPC में ये प्रोविजन है, नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम टू लिमिट और अफेक्ट द इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट टू मेक सच ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द एंड्स ऑफ जस्टिस और प्रिवेंट द अब्यूज ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट और अदरवाइज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अर्थात इसका कहना यह है प्रावधान का कि इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय को ऐसे आदेश की अंतर्निहित शक्ति को सीमित या प्रभावित करने वाली नहीं समझी जाएगी जैसा इस संहिता के अधीन किसी आदेश को प्रभावी करने के लिए या किसी न्यायालय की कार्यवाही का दुरुपयोग निवारित या रोकने के लिए या किसी अन्य प्रकार से न्याय के उद्देश्यों के प्रति प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो। अर्थात इस प्रावधान का कुल मिलाकर अर्थ यह है कि उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्ति का अर्थ यह है कि जो कोई भी प्रावधान कहीं उल्लेखित नहीं है उसमें माननीय उच्च न्यायालय अंतर्निहित शक्तियों के तहत आर्बिट्रेरी पावर का दुरुपयोग नहीं करेगा बल्कि न्यायिक को सिक्योर करने के लिए एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए अपने इनहेरेंट पावर्स का यूज कर सकती है। इस प्रावधान के तहत ये कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के अंतर्गत अंतर्निहित शक्तियां यद्यपि विस्तृत हैं किंतु इनका प्रयोग दुर्लभ रूप से और सावधानी पूर्वक माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाना चाहिए तथा केवल यह प्रयोग तभी किया जाना चाहिए जब स्वयं इस धारा में प्रतिपादित विशेष कसौटी और न्यायोचित होने प्रतीत हो। न्यायालय का प्राधिकार न्याय की वृद्धि के लिए वर्तमान है और यदि आदेशिका का दुरुपयोग अन्याय की ओर ले जाता है और यह न्यायालय की सूचना के लिए लाई जाती है तो अधिनियम में विशिष्ट उपबंधों के अभाव में अंतर्निहित शक्तियों का आह्वान करके अन्याय रोकने के लिए न्यायालय औचित्यपूर्ण कार्यवाही करेगा। इंदर मोहन गोस्वामी वर्सेज उत्तरांचल राज्य AIR 2008 सुप्रीम कोर्ट 251। तो इस प्रकार अंतर्निहित शक्तियां या इनहेरेंट पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट का प्रयोजन यही है कि उच्च न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों को बियॉन्ड लॉ जाकर यद्यपि प्रयोग करेगा लेकिन न्यायिक में एंड्स ऑफ जस्टिस को सिक्योर करने के लिए जहां कहीं ऐसा पावर जो उसे दिया भी नहीं गया है लेकिन सारा मामले के मटेरियल ऑन रिकॉर्ड पर देखकर यदि उन्हें ऐसा लगता है कि इन शक्तियों का प्रयोग किया जाना उपयुक्त है तो आर्बिट्रेरी प्रयोग न करते हुए दुरुपयोग न करते हुए एंड्स ऑफ जस्टिस टू सिक्योर इस शक्ति का प्रयोग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है। एक मामला हुआ था आनंद कुमार मोहता विरुद्ध राज्य दिल्ली सरकार जिसमें FIR रद्द करने की याचिका के संबंध में था और इसमें हाईकोर्ट द्वारा 482 CRPC की याचिका में विचार किया गया और ये कहा गया कि न्यायालय की शक्ति है वो FIR रद्द करने भले ही चार्जशीट पेश कर दी गई हो चाहे तो FIR मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को देखकर अगर ऐसा उसे प्रतीत होता है तो अपने अधिकार का प्रयोग धारा 482 CRPC के अंतर्गत कर सकता है। नेक्स्ट एक मामला हुआ था नारायण मल्लारी थोरट वर्सेस विनायक देवराव भगत, इसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा इन्वेस्टिगेशन के पहले मेंस रिया गिल्टी इंटेंशन आरोपी की ओर से था या नहीं इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन के पहले कोई फाइंडिंग नहीं दी जा सकती, इस बारे में माननीय उच्च न्यायालय जांच नहीं कर सकता है कि वो गिल्टी इंटेंशन का था या नहीं जब तक कि आरोपी गिल्टी इंटेंशन का दोषी है कि नहीं, इसकी जांच हाईकोर्ट को करने का अधिकार सेक्शन 482 में नहीं है। एक अन्य मामला था मोहम्मद अलाउद्दीन खान वर्सेज बिहार राज्य जिसमें शिकायतकर्ता और अभियुक्त के बीच सेम पार्टीज के बीच क्रिमिनल केस और सिविल केसेस यदि चले हैं जैसा कि सेक्शन 11 में रेस जुडिकेटा होता है तथा सेक्शन 300 CRPC के अंतर्गत पर्सन्स वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस इन्हीं आधारों पर उन्हीं सेम पार्टीज के बीच मामला नहीं चल सकता। ये प्रिंसिपल इसी उस पर आधारित है कि सेम फैक्ट्स पर बार बार सिविल अथवा क्रिमिनल मामले को न्यायालय के समक्ष नहीं लाया जा सकता। हाईकोर्ट धारा 482 CRPC के तहत यदि सिविल केस पेंडिंग है तो क्रिमिनल केस में यद्यपि विचार करेगा लेकिन मटेरियल ऑन रिकॉर्ड को ये देखेगा कि उसमें सिमिलर पार्टीज के मध्य
पहले कोई डिसाइड मैटर हुआ है कि नहीं। दिनेश भाई चंदू भाई वर्सेस गुजरात राज्य के मामले में हाईकोर्ट अपीली अदालत की तरह तथ्यात्मक सामग्री की जांच करेगा, जांच एजेंसी की तरह हाईकोर्ट कार्य नहीं करेगा, हाईकोर्ट अपीली अदालत की तरह कार्य भी नहीं करेगा। तो इस प्रकार एक अन्य मामले जितेंद्र सिंह वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार के अंतर्गत ये कहा गया कि हाईकोर्ट को यह जांच करना चाहिए कि परिवाद पढ़ने भर से यदि किसी अपराध का गठन नहीं होता है तो हाईकोर्ट द्वारा सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत यह जांचना आवश्यक है कि आपराधिक सामग्री या तत्व उस मामले में है कि नहीं। हाईकोर्ट आपराधिक शक्ति का अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग एंड्स ऑफ जस्टिस टू सिक्योर एंड ऑफ जस्टिस के लिए कर सकता है। इसी प्रकार एक अन्य मामले अतुल शुक्ला वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश में यह कहा गया कि हाईकोर्ट इनहेरेंट पावर का यूज करते समय टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस के लिए गाइडलाइंस का ध्यान रखेगा, न्यायिक का ध्यान रखकर ही उसमें अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करेगा। इस प्रकार ये धारा 482 माननीय उच्च न्यायालय को अंतर्निहित शक्तियां जो कहीं भी उल्लेखित नहीं है, इनहेरेंट पावर्स, ये पावर उसको उसकी अंतर्निहित शक्तियों के तहत दिया गया है और टू सिक्योर द एंड ऑफ जस्टिस बियॉन्ड लॉ जाकर वह मामले की परिस्थिति में यदि उसे ऐसा लगता है कि इस मामले में FIR रद्द की जानी है या कोई अन्य ऐसा कारण है कि व्यक्ति के साथ अन्याय हो रहा है तो वह क्रिमिनल सेक्शन 482 सीआरपीसी के तहत इस राइट को अवेल करने के लिए पिटीशन डाल सकता है और माननीय उच्च न्यायालय अगर यदि प्रकरण की परिस्थितियों में उचित समझता है तो वह अपने अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करके उस व्यथित पक्षकार को न्याय प्रदान कर सकता है और इसका प्रयोग दुर्लभ रूप से सावधानीपूर्वक सजगतापूर्ण माननीय उच्च न्यायालय करता है। आदेशिका का दुरुपयोग अन्याय की ओर यदि ले जाता है तो वह न्यायालय की सूचना के लिए अगर लाई जाती है तो वह इसका प्रयोग कर सकता है। मित्रों, मैंने सरल भाषा में धारा 482 सीआरपीसी अंतर्निहित शक्तियों को आपको बताया। मैं आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यदि आप अभी तक इस चैनल पर नए हैं और आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा हो तो मित्रों परिचितों को लाइक शेयर अवश्य करें। इस वीडियो में यहीं तक, कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, नमस्कार।